सो हे गाइस, दिस AnubisOP और गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले एक और सोलो कॉन का रैंक पुशिंग गेम प्ले। और गाइस कल रात को मेरा रैंक चल रहा था 900। मैंने सोचा 2-3 मैचेस खेल लेंगे, कॉन्कर हो जाएगा ये सोच रहा था, बट एक मैच खेलता हूँ जिसमें मेरा मैच अच्छा चल रहा था। 23 मिनट तक मैं सर्वाइव करता हूँ। एज पे मैं सर्वाइव कर रहा था तभी एक बंदे ने मेरे ऊपर फायर लिया। मैं उससे बचता हूँ, पीछे की तरफ से दूसरा बंदा आता है और उसने मेरे को ख़त्म कर दिया। 23 मिनट सर्वाइव करके गए 0+। मैंने बोला भाई नेक्स्ट मैच में गया अगर खेलूँगा तो उसमें भाई मेरे को कंप्लीट माइनस लग जाएगा, इसलिए मैंने कल खेला नहीं, मैं सो गया सीधा। और अभी शायद से मेरा रैंक चल रहा होगा 1100-1200। बाकी आज ट्राई करते गए कॉन्कर करने की। बस दिन का पहला मैच अच्छा जाएगा। 2 दिनों से मेरा दिन का पहला मैच में माइनस खा रहा होगा। 13 या फिर 14 का माइनस कन्फर्म है। कल भी ऐसा ही हुआ था। देखते आज ट्राई करेंगे, आज कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी नूब लॉबीज आना स्टार्ट हो चुका है, ऐसे बंदे बोल रहे गाइस। कंप्लीट तो नूब लॉबीज नहीं, बट मैंने नोटिस किया गाइस बंदे, ठीक है, ज़्यादा अलाइव नहीं थे कल के। कुछ मैचेस में बंदे उतने अलाइव नहीं थे जितने रहने चाहिए थे, ठीक है। सो जो भी बंदे पीछे भाई फास्ट पुश कर लो गाइस, ठीक है। अगर तुम पीछे रह जाओगे फिर कॉन्कर नहीं हो पाएगा, ठीक है। फटाफट पुश करो और बाकी यहाँ पर अपन फोकस करते हैं इस वाले मैच पर। तो यहाँ पे 2 बॉट्स लड़ रहे थे और दोनों को मैंने कुचल दिया। 2 किल्स ईजी हमको मिल चुकी थी। उसके बाद मैं यसना की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे को ओपन में एक बंदा स्पॉट होता है। उसको एक दासे वाला बंदा मारने की कोशिश कर रहा था। मैं देखा, मैंने बोला भाई मेरे को यहाँ पे रुकना नहीं है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से अपन सीधा यसना की बिल्डिंग पकड़ लेंगे और उसके बाद लूट वगैरह कंप्लीट करके आगे का रोटेशन वगैरह देखेंगे, ये सोच के मैं यसना पे चला जाता हूँ। और यहाँ पर आते ही मैं लूट करना स्टार्ट कर ही देता हूँ कि तभी क्या होता है देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि जो बंदा ओपन में फंसा था वो जैसे जैसे डासिया के अंदर गेट इन कर लेता है और डासिया वाले बंदे को उसे यहाँ तक, डासिया वाला बंदा यहाँ से निकल जाता है। बट जो बंदा यूएस से आ रहा था वो बंदा यहाँ पे गलती कर देता है, वो यहाँ पे रुक जाता है। और भाई यहाँ पे फ्री किल अगर आ रहा तो भाई कौन नहीं लेगा। तो यहाँ पे इस वाले बंदे के लिए बुरा तो लगा, बट बंदा भाई इतनी सारी गलतियाँ कर रहा है तो भाई बिल्कुल इसका माइनस कंफर्म होगा। एक तो इसने व्हीकल ठीक से नहीं उठाई जिसकी वजह से ये ओपन में फंस चुका था। जैसे जैसे इसने गेट इन कर लिया बट कहाँ पे रुकना है इसको ये भी नहीं समझा और यहाँ पे कम्प्लीटली मेरी जगह पे आ जाता है और इसको मैंने फिनिश कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बस रोटेशन कर रहा था और ये शायद से 2nd सर्कल या 3rd सर्कल बनने जा रहा था, ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। तो इस वाले शैक पे आके मैं होल्ड करता हूँ। अभी गाइस 40 बंदे अलाइव थे, काफ़ी सारे बंदे फिर भी अलाइव थे। यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ अभी के लिए। ऊपर के साइड एक बंदा आ चुका था जिसकी व्हीकल का साउंड मेरे को सुनाई देता है। वो बंदा ओपन मेरे को दिखाई भी देता है। मेरे को लगा उसके पास कार 98 ऑम होगी, इसलिए मैंने पीक नहीं दिया। और कोई अच्छी गन नहीं थी मेरे पास, टॉमी और यूएमपी मैं यूज़ कर रहा था इस वाले मैच में। उसके बाद गाइस यहाँ पे 4th सर्कल बन जाता है और जोन देखना कि कैसा बना था उसके हिसाब से अभी रोटेशन करने का टाइम आ चुका था। जैसे जोन क्लोज इन होगा मैं यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल के ऊपर स्मोक कर लिए। यहाँ पे बंदे आसपास थे, कहीं ना कहीं पे बैठे हुए थे। जैसे मैं व्हीकल के अंदर बैठूंगा भाई बंदे फायर लेंगे, इसलिए मैंने स्मोक किया और यहाँ से आराम से मैं रोटेशन करना स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे गए तो देखना कि हम पोजीशन कहाँ पे जाके होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली पोजीशन में होल्ड कर लेता हूँ अभी के लिए। और ये पोजीशन गाइस काफ़ी अच्छी है, पता है, क्योंकि एक तो पत्थर का कवर है, ऊपर से तुम व्हीकल का कवर लगा लेते हो। पीछे की तरफ से एक डिप है और एक रिज मिलता है, रिज का एडवांटेज मिलता है जिसकी वजह से तुम कवर के अंदर ही रहते हो। सो यहाँ पर मैं अभी के लिए सर्वाइव कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़े बहुत किल्स भी निकालेंगे देखना। तो यहाँ पे बंदा भाई मेरी तरफ से कम्प्लीटली ओपन रह जाता है और उसको मैंने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे रोटेशंस होंगे, काफ़ी सारी व्हीकल्स घूमेंगी, यहाँ पे जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे देखना। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स मेरे आजू बाजू से जा रहे थे, बट मैंने किसी के ऊपर भी फायर नहीं लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि जैसे मैंने फायर देने की कोशिश की, कोई एक बंदा मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है। ये होता है गाइस एंड सर्कल में कि भाई अगर तुम थोड़ा भी पिक करोगे, थोड़ा भी इधर उधर देखोगे, भाई कोई ना कोई बंदा थर्ड पार्टी कर देगा। यहाँ पे मैं लकीली बच जाता हूँ, ओम का मेरे को बॉडी शॉट लग जाता है और यहाँ पर मैंने हीला वगैरह कर लिया। अभी यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदा आ चुका था, सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक बंदा आ चुका था, वो ऑफ चलाएगा अभी। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हमने थर्ड पार्टी की, मतलब दो बंदे एक दूसरे के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों बंदों को हमने निपटा दिया। दो इजी किल्स हमको मिल चुके थे। उसके बाद जोन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अभी के लिए यहाँ पे मैं बस सर्वाइव कर रहा था, मैंने किसी के ऊपर फायर नहीं लिया और मैं बस देख रहा था कि जाके कहाँ पर होल्ड करना है। अभी काफ़ी सारे बंदे मारे जाएंगे, उसके बाद देखना कि हम जोन रोटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं बस गाड़ी घुमा रहा था, क्योंकि पोजीशन समझ नहीं आ रही थी। एक तो ऊपर से फॉग था, बंदे कहाँ पे लेटे हैं ये भी नहीं पता था, इसलिए मैं बस गाड़ी घुमा के सर्वाइव कर रहा था और देखना एंड में मैं कहाँ पे रुकूँगा। तो यहाँ पे जब मैं गाड़ी घुमा रहा था गया, तब मेरे को कंपाउंड से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा भाई बंदा लो होगा, सीधा अपन पुश कर देंगे, और वही होता है गया। यहाँ पे मैं पुश कर देता हूँ, एक बंदा लो था, उसको मैंने इजी फिनिश कर दिया। कंपाउंड हाथ में आ चुका था, बट जोन फिर से यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे अभी जोन के अंदर निकालना था। यहाँ पे मैं पहले तो लूट कंप्लीट कर लेता हूँ, MK M4 सब उठा लेता हूँ। उसके बाद मैंने सोचा भाई व्हीकल उठाएंगे। मेरा ये ध्यान नहीं था कि भाई व्हीकल का टायर पंक्चर है, बट मैंने सोचा भाई फॉग है, सामने पूरा ओपन है, वैसे भी लेटते हुए जाएंगे, ये मेरा प्लान था। बट देखना कि क्या होने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे अपना गेम हो जाता है फिनिश। यहाँ पे भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राइट वाले बंदे को मैंने फायर लेने की कोशिश की, बट उसको यही बंदा मार देता है और इसी ने मेरे को भी मार दिया। ये बंदा पहचानता था इसलिए मेरे को, इसलिए यहाँ पे जंप वगैरह कर रहा था, इमोट वगैरह यूज़ कर रहा था। और अच्छा खेला बंदे ने, 8 किल्स निकालते। ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मैच खेलना था। सो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। बाकी आज का गेम प्ले अगर पसंद आता तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल पे जो भी नए हो सब्सक्राइब करो, घंटे के बटन को भी दबा दो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nothing can stop me, I'm all the way up.